बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर पे। मैं सूरज राज, और आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र BA में हो या फिर BSc कर रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं BCom कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। वो होता है हमारा प्राथमिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य, जिसे हम फर्स्ट एड्स एंड हेल्थ के नाम से जाना जाता है इस पेपर को। और इस पेपर में आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 35 प्लस यदि आप क्वेश्चन कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। जी हाँ, 35 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं तो आप पास हो जाते हैं, और पास होने की गारंटी पेपर हैकर यूट्यूब चैनल लेता है। हमने इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में हमने दे रखे हैं, लगभग 500 से 600 क्वेश्चन है जो आप याद करके बड़े आराम से 85% प्लस ला सकते हैं। 85% प्लस यहाँ से फंसेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो हम करा रहे हैं वही पढ़ लो। आपको PDF की हमारी ये PDF आपको चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमने एक वेबसाइट है जिसका नाम है paperhacker.in। जैसे कि आप BCom सेकंड सेमेस्टर है तो BCom सेकंड सेमेस्टर के बटन पर टच करिएगा और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप BSc सेकंड सेमेस्टर में तो सेकंड वाले में, यदि आप BA सेकंड सेमेस्टर में तो उस वाले बटन पर टच करके थोड़े से नीचे देखकर वहां लिखा होगा फर्स्ट एड्स एंड हेल्थ, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सालय स्वास्थ्य, इस नाम से लिखा होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, हमने 5 पार्ट करा रखे हैं, मतलब जो भाग हैं इस भी टोटल बुक के हमने 5 भाग करा दिए हैं, अब तक अपलोड कर दिए हैं। और अपलोड आपने वीडियो नहीं देखी है तो भी आप हमारे paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहीं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट के लिंक पर बटन पर टच करके सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ध्यान से देख लो, ये है हमारा इकाई नंबर 3, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। जैसे कि इकाई नंबर 3 में क्या क्या हमें देखना है, पढ़ना है, तो समझ लेते हैं एक लाइन में। आपको जिंदगी भर याद रहेगा क्या है, कैसा है, किस लिए है, क्यों है। अब यहाँ देखो, दे रखा है आपको बुनियादी यौन शिक्षा, मतलब कि आपको ये शिक्षा के बारे में जो यौन संबंध वगैरह होते हैं उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ लिखा है मूल सिद्धांत, आपत्तियाँ कौन कौन सी आती हैं, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र क्या होता है, पुरुषों में यौन अवस्थाएँ कैसी होती हैं, उनके शारीरिक भुगतान परिवर्तन के बारे में, महिलाओं में यौन अवस्थाएँ कौन कौन सी होती हैं, किस अवस्था में महिलाएँ वो है जो संभोग करती हैं, तो वो है महिलाओं पुरुष की समानता और असमानताएं, मतलब महिला और पुरुष में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चन यहां से बनते हैं इकाई नंबर 3 में। संभोग क्या होता है, गर्भ अवस्था क्या होती है, पीरवश क्या, पीरवश जिसे कहते हैं MS, मतलब कि जो हमें पीरियड के दौरान जो दर्द उत्पन्न होता है, जो हमें जो कष्ट देखने को मिलते हैं वो पीरवश कहलाता है। गर्भ अवस्था जो होती है, जो गर्भ धारण कर लेते हैं उस समय की जो अवस्था, गर्भ अवस्था, संभोग जब हम जब सेक्स वगैरह करते हैं तो वो संभोग के अंतर्गत आता है जब दो फिजिकल बनाते हैं। तो अब यहां देखिए नीचे जाकर, अब थोड़ा सा ध्यान देखना, अब यहां से इस तरीके से आपको मुद्दे देखने को मिलेंगे। वहीं आपको LGBTQ के बारे में बताओ प्लस और मुद्दों और उनकी पहचान किस तरीके से करेंगे, और आपको दृष्टिकोण और मिथक के बारे में आपको देखना है। वहीं आपसे पूछा गया जन्म नियंत्रण और गर्भपात, जैसे कि कुछ महिलाएं क्या है, बच्चे को जन्म देने से पहले ही गर्भपात कर लेती हैं, तो गर्भपात क्या होता है, जन्म नियंत्रण क्या होता है, ठीक है, वो चीज आपको देखना है। बिना सहमति प्यार के यौन पीड़िता, यौन शोषण, बलात्कार करना, मान लीजिए आपने किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं और आप उसके साथ जबरन कर रहे हैं तो बलात्कार के अंतर्गत रखा जाता है, और यौन शोषण के अंतर्गत रखा जा रहा है, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत रखा जा रहा है, तो उनको बारे में क्या है, ये किसके क्यों कहलाते हैं, वो हम चीज देखेंगे इस वीडियो में। वहीं आपको बात करें यौन कह सकते हैं यौन संचरित जो रोग होते हैं, यौन संचरित रोग, जैसे कि एड्स हो गया, ठीक है, महिलाओं को एड्स होता है, पुरुषों को महिलाओं से पुरुष को हो जाता है, तो वो चीज़ जो एड्स है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वगैरह है, जो हमारे सेक्स संबंधित ही रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चनों को जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा भाग नंबर, मतलब कि वीडियो का भाग नंबर 6 है, पहले 5 हम कर सकते हैं, वो वीडियो देख लेना, आराम से काम हो जाएगा। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि मूत्र निर्माण का कार्य शरीर के किस अंग में होता है। सभी लोग जानते हैं कि वो किडनी में होता है, किस में होता है, किडनी में, तो किडनी ऑप्शन नंबर, जिसे हम वक्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, वृक्क बोलते हैं और किडनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग बेटा त्वचा होता है, और एक कौन सा, यदि देखो यहाँ त्वचा तो है, अब हृदय, हृदय कोई हमारा उत्सर्जी अंग थोड़ी है, अब वहां से उत्सर्जी फेफड़ा को उत्सर्जी नहीं है, लेकिन त्वचा, किडनी, ये सब उत्सर्जी अंग वो कहलाते हैं जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। देखो यहाँ देखो त्वचा बोला गया है, और यहाँ देखो यकृत, यहाँ त्वचा होता तो त्वचा को भी हम ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि वो पसीना को बाहर निकालने की काम करती है, और यकृत क्या करता है, किडनी क्या करती है, हमारे पेशाब को बाहर निकालने की काम करती है, यूरिया को, ठीक है।
वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है वो कौन रखता है? वो होता है हमारी किडनी। क्यों क्यों बनाए रखती है? क्योंकि हमने पानी पिया और क्या हुआ, अब संतुलन बनाने का मतलब है जितनी हमें हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी पानी वो बॉडी को देती है, बाकी जो पानी होता है वो हमारी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये संतुलन तो बना रही है कि भैया तुम्हें जरूरत है तो ले लो, नहीं जरूरत है तो मैं वापस कर देती हूँ, सब फेंक देती हूँ बाहर को, समझ रहे ना? तो वो चीज काम किसका करता है? किडनी करती है, ठीक है। वहीं बोला गया है या कह रहा है मूत्र में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो देखो यह 95% पाई जाती है ना, कि जितनी बॉडी को परसेंट है भाई ले 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 बॉडी ले ले। अब उसने कहा हाँ ठीक है भैया ले लिया मैंने, अब तू फेंक दे हटा। किडनी सब क्या करती है? पेशाब के रास्ते में सब यूरिन के रास्ते में सब खत्म कर देती है, बात खत्म, सबको बाहर निकाल देती है। तो वो चीज़ है, उसमें क्या होता है आप कहोगे 95% क्या होता है? 95% जल होता है, बाकी 5% यूरिया वगैरह जिस सब को पाई जाती है। तो यूरिया हमारा कम ना लगा, यूरिया बनाने का कौन करता है? वो करता है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड वगैरह बनी हमें, एसिड बनी तेजाब बनी तो किसके माध्यम से निकलेगी? किसके माध्यम से निकलेगी? पेशाब के माध्यम से। वो चीज़ सब कुछ यहाँ मेंशन होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर में किडनी का वजन कितना होता है? तो मैंने कहा 140 ग्राम, 140 ग्राम किडनी का वजन होता है मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? तो आपको पता है ये गुहा में, जिसे श्रोणि गुहा बोला जाता है, श्रोणि गुहा में स्थित होता है हमारा मूत्राशय। नीचे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि शरीर में लवण और जल का उत्सर्जन करने वाला अंग क्या है? गुर्दा। और गुर्दे को क्या बोला जाता है? किडनी बोला जाता है बेटा, किडनी बोला जाता है, ठीक है। किडनी किसको बोला जाता है? गुर्दे को बोला जाता है, ठीक है। गुर्दे को वक्रवी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां देखो, यहां यहां भी बोल सकते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में कौन सा अंग रक्त में से हानिकारक पदार्थ को छानकर अलग करने का कार्य करता है? तो वो देख सकते हो गुर्दे, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से कौन सा तंत्र बाहर निकालता है? तो उत्सर्जित तंत्र बाहर निकालता है, जैसे कि आपकी त्वचा हो गई, त्वचा भी पानी को बाहर निकालती है पसीने के द्वारा, और हमारा वक्र हो गया, ठीक है। ये चीज मतलब किडनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिलने लूप किस आकार का होता है? तो यू आकार का हिलने लूप होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे एक क्वेश्चन बोला गया है कि डाई यूरेसिस में क्या होता है? तो बेटा मूत्र का अधिक होना, ठीक है, मूत्र का अधिक होना डायरोसिस कहलाता है, एक रोग कहलाता है, डायरोसिस हो गया कि मूत्र का अधिक होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूत्र आ जाए तो उसका मूत्र का अधिक होना क्या कहलाता है भैया? ये डायरोसिस हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? वो करता है लीवर या यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेन लूप कहाँ स्थित होता है? तो वो होता है मेडुला में, मतलब कि बकर के मेडुला में, मतलब किडनी के मेडुला में जो स्थित होता है वो क्या होता है? हेनले को लूप स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कहाँ? किडनी के मेडुला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए यहाँ यहाँ बोला गया है कि मूत्राशय में पाए जाते हैं, तो मूत्राशय में पाए जाते हैं, जो मूत्राशय में कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं ये आपसे पूछेगा, तो अनिच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, अनिच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कह सकते हैं गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहोगे गुर्दे की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, लीवर की लंबाई होती है, और वजन कितना होता है? 140 ग्राम, ठीक है, 140 ग्राम। नीचे बोला गया है, एक क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, यहाँ बोला गया है कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो जो मूत्र है उसका पीएच मान 7-6 होता है, मूत्र का पीएच मान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन सरलता पाई सरलतम इकाई क्या है? वो है याकृत की, सॉरी बकर की है, मतलब कि किडनी की होती है ये सरलतम इकाई नेफ्रॉन, ठीक है। नीचे बोला गया है कि डिम्ब ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? दो जो डिम्ब ग्रंथियां होती हैं वो दो होती हैं, उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग मादा और प्रजनन तंत्र का भाग है? तो वो है उपरोक्त सभी। मादा का देखो गर्भाशय भी मादा में पाई जाती है, डिम्ब ग्रंथि भी पाई जाती है मादा में, और डिम्ब नलिका भी पाई जाती है, उपरोक्त सभी को लॉक करना है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा अंग पुरुष प्रजनन अंग है, मतलब कि पुरुषों का जनन अंग है, मतलब वो जनन करता है, उसके द्वारा प्रजनन करता है, वो होता है भ्रषण। भ्रषण का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, भ्रषण का मतलब होता है जो हमारे एक दूसरे भाषा में एक कहते हैं ना जे कुट्टे भी बोलते हैं हिंदी की भाषा में, ठीक है, और इसको हम अंडकोश भी बोला जाता है, भ्रषण से बोलते हैं, और ये हमारा जो इस तरीके का जो होता है वो पेनिस होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी हो गई, मान लीजिए ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, ये हमारी बॉडी हो गई इस तरीके का, ये बॉडी ले लेते हैं, ये बॉडी हो गई, ठीक है, ये बॉडी हो गई, ये हाथ इस तरीके,
तो ये आप जो देख रहे हैं ना इस तरीके, ये दोनों दो वेषण होते हैं इसमें, ये क्या हो पेनिस होता है, ठीक है। तो वेषण किसका काम करता है, ये हमारा जनन अंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ही स्पर्म होते हैं, इसमें भी क्या होता है, स्पर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है एक पुरुष कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो एक पुरुष है उसकी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है। आप सभी को बताया मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं, कैसे मतलब कि 22 जोड़ी तो कंपलसरी होते हैं, ये महिला में और पुरुष में दोनों में होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ी एक्स और वाई गुणसूत्र है ये क्या होता है, ये केवल पुरुषों में होता है एक्स वाई। यदि एक्स वाई है तो क्या होगा बेटा, ये पुरुषों में होगा, ठीक है। चलो नीचे यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है यदि एक्स एक्स है तो क्या होगा, महिला में होगा, एक्स वाई है तो पुरुषों का होगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है, देखिए यहाँ कह रहा है संपत्ति सॉरी सन्नति निरोध का रासायनिक तरीका क्या है, तरीका नहीं है तो वो क्या है, डायफ्राम नहीं है, जो कह सकते हैं एक संतित जो निरोध होता है उसका रासायनिक तरीका नहीं होता है, वो नहीं होता बेटा, क्या होता है डाइफ्रॉन। डाइफ्रॉन एक क्या होता है, रासायनिक तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या होता है, जनसंख्या को नियंत्रण करना। मतलब कि आप जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करेंगे, तो आप कहोगे भैया निरोध वगैरह लगाओ, मतलब कंडोम वगैरह लगाओ, तब आप जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे ना, वो चीज़ है। या फिर गर्भ निरोधक गोली खाओ तब आप कर पाएंगे, सिर्फ वो चीज़ है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब है परिवार में सीमित लोगों को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन का जो कह सकते हैं एक शासकीय नीति बोली गई है, ठीक है, रूप में सर्वप्रथम कब अपनाया गया था, मतलब भारत में जो परिवार जो नियोजन है उसको शासकीय नीति के रूप में, मतलब कि जो प्रशासन है उसके नीति के आधार पर कब अपनाया गया, तो आप हो गए 1951 में अपनाया गया कि भैया ज़्यादा जनसंख्या पैदा नहीं करनी है, कम कम करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 जुलाई को, सॉरी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नीचे क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन प्रत्येक परिवार और हर परिवार की खुशहालियों की कुंजी है, ये कथन किसने कहा था, कि भाई परिवार को एक नियोजन रखिए, मतलब एक निश्चित रखिए और ये हर व्यक्ति और हर परिवार की खुशहाली है, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप ज़्यादा जनसंख्या को पैदा नहीं करेंगे, ठीक है, एक सीमित रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार में ठीक है, भारत में यहाँ कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जब देखो इनकी जो स्थापना की गई थी तो 1951 के लिए, लेकिन प्रारंभ की जब बात करें तो 1952 में प्रारंभ किया गया, 51 में इसे लाया गया था कि परिवार नियोजन के कह सकते हैं, देखिए यहाँ बोला गया है कि परिवार नियोजन के जो राष्ट्र जो शासनिक नीति के रूप में प्रथम बार अपनाया गया वो 1951 में, और इसे प्रारंभ कब से किया गया, 1952 से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु कितनी है, बेटा देखो पहले आपको बताया कि 18 वर्ष थी, 21 पहले लड़का हुआ करता था, उसके बाद में क्या करता था 18 का क्या हो, लड़की होनी चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ है, एक नई शिक्षा नीति आई है उसके सॉरी शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नया संविधान संशोधन आया है जिसमें महिलाओं की या लड़कियों की उम्र कर कितनी कर दी गई है, 21 कर दी गई है, ठीक है। मतलब लड़के की कितनी होनी चाहिए, लड़के की 23 होगी और लड़की की कितनी, 21 है, मतलब कि दोनों की 21 है तो चलेगा, लेकिन लड़की की 21 होना अनिवार्य है, यदि वो 18 साल की है तो उसका विवाह एक कानून के विरुद्ध माना जाएगा, ठीक है, भैया बोला गया है। तो लड़की की 18 वर्ष, ये गलत है, यहाँ इस क्वेश्चन को हम अप्रूवल नहीं देंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाना, ठीक है। ये 18 वर्ष पहले की थी, अब क्या कर दिया गया है, 21 वर्ष महिला की हो जाएगी तब वो शादी करने योग्य होगी, ठीक है। वैसे उससे पहले उसके माता पिता उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ये और उसके बिना मर्जी के शादी करना एक दंडनीय अपराध है और ये हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, और ये हमारा आर्टिकल जो आर्टिकल है, आर्टिकल वो बोलता है 21, निजता का अधिकार, जीने का सबका अधिकार है, वो किसी के थ्रू कुछ भी कर सकता है, यदि कोई भी किसी के थ्रू संभोग करना चाहता है, यदि दोनों की इच्छा है, तो आर्टिकल 2002 आर्टिकल 21 मतलब कि 21 से बोलता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक और नई कार्रवाई की है कि कोई भी जो सेक्स जो फीमेल करती हैं, मतलब संभोग करती हैं लोगों के साथ या फिर उनका बिजनेस है, तो वो कर सकती हैं, मतलब कि उसको पुलिस कोई भी प्रशासन उन पर क्या है दबाव नहीं डालेगा, कोई पुलिस प्रशासन उनके लिए गलत वर्ड नहीं बोलेगा, कोई यूज नहीं करेगा,
क्यों? क्योंकि वो अपना परिवार चलाने के लिए, मतलब एक्चुअली कोई भी जो अपने एक बिजनेस है वो अपना यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यदि किसी यदि तब वो अपराध माना जाएगा जब उसके साथ कोई जबरन करता है, ठीक है, कोई जबरन करता है। तो यदि वो अपने इच्छा के साथ किसी के साथ कुछ करते हैं तो उस वक्त आर्टिकल 21 लगता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उसके ऊपर कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कानून कार्रवाई नहीं करेगा और ना ही उनको धमकाएगा, ठीक है, ना ही उनके काम काम में कोई बाधा डालेगा। ये एक सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में एक फैसला आया है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हम अपने जीवन जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला कि भारत में लड़कियों विवाह, लड़कियों का विवाह, देखिए लड़कियों का न्यूनतम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु बेटा 21, यहाँ 18 वर्ष कर दी गई है, लेकिन जो अब आएगा आपका वो 21 वर्ष आएगा, यहाँ 21 ही वर्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, वो 2000 में की गई थी, ठीक है, कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी बेटा, वो की गई थी 2000 में, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम कब किया गया, तो देखो यहाँ बोला गया परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसका नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया, वो कब किया गया था, वो किया गया था 1977 में। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है, तो देखो महिलाओं में जो परिवार नियोजन की जो स्थायी विधि है वो है बेटा क्या है, नसबंदी। महिलाओं में हमेशा के लिए, स्थायी का मतलब है हमेशा, यदि वो नसबंदी करा लेती हैं महिलाएं, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए परिवार नियोजन जो है उसके एक स्थायी विधि कहलाएगी, ठीक है, जो नसबंदी कहला देती है मतलब कि उनको फिर बाद में फ्यूचर में कभी भी वो संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएंगी, ठीक है। चलो नीचे बोला गया है, और ये नसबंदी पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में होती है, लेकिन इसको स्थायी विधि हमें महिलाओं के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो वो आता है, देखो परिवार नियोजन का मतलब होता है एक परिवार को सीमित रखना, जैसे कि परिवार को सीमित रखना, बिल्कुल आता है। दूसरा आता है दो संतान के बीच पर्याप्त अंतर रखना, मतलब कि दो संतान है तो उनके बीच में पर्याप्त अंतर रखिए, और साथ ही साथ क्या आता है कि निरोधक दहाड़ का प्रयोग, मतलब कि आप जब भी यूज करें, जब भी आप सेक्स करें, संभोग करें फीमेल के साथ, अपने पार्टनर के साथ में, तो उसमें आपको निरोधक साधनों का यूज करना चाहिए, जैसे कि कंडोम हो गया, फिर या फिर गर्भनिरोधक गोलियां हो गई, इनका आपको यूज करना चाहिए। उसके बाद में नीचे बोला गया है कि सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले ये भारत में प्रारंभ किया गया कि ज़्यादातर जनसंख्या नहीं फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रमण क्या का वाहक कौन सा होता है, वो होता है जीन, मतलब कि वंशानुक्रमण का जो वाहक होता है, जो वंश कह सकते हैं एक वंश से दूसरे वंश, एक संतान से दूसरे संतान में, ठीक है, वो जीन्स के द्वारा हमारे प्रोग्राम पहुंचते हैं, ठीक है, जीन्स है पहुंचेंगे तो उनके कुछ ना कुछ लक्षण वहां देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप हैं तो आपके माँ बाप के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, वो चीजें। यहाँ कह रहा है एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये माताओं में पाए जाते हैं, मतलब कि जो लड़कियां होती हैं उसमें एक्स एक्स पाया जाता है, जो लड़का होता है उसमें एक्स वाई पाया जाता है। मान लीजिए इसका यहाँ से उठ के आया एक एक्स, और इस लड़की के पास तो दोनों एक्स हैं, और इसने एक डोनेट कर दिया यहाँ एक्स, तो जो अब जो लड़ जो पैदा होगा वो लड़की पैदा होगी, ठीक है। यदि मान लीजिए इस लड़के का बाई क्रोमोसोम, मतलब बाई गुणसूत्र बहुत स्ट्रांग है, तो इसने देगा बाई, और ये क्या होगा, इसमें से ये तो कोई सा भी एक्स दे सकता है एनीवे, तो इसने एक दे दिया एक्स, अब लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो जो लोग समझते हैं कि भाई मुझे लड़की पैदा हुई है मेरे बीबी के, तो उनमें, उनके वाइफ में, उनकी बीबी में कोई कमी नहीं होती है, उन अनपढ़ों को जाहिरों को समझा दो, ठीक है, कि उनमें कोई कमी नहीं है, कमी है तुम में, कि तुमने एक्स डोनेट किया है तभी लड़की हुई है, आप बाई डोनेट करते आपके अंदर दम होता ना, कहते हैं तब आपको लड़का होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उन जाहिलों को समझ में आनी चाहिए, उन जो अब जो महिलाओं के साथ मतलब जो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो जब लड़की हो जाती है तो उनके लिए बहुत घिन करते हैं, मतलब कि उनको समझते नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो लड़की और लड़का के जो जो फर्क यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ये सब लड़के की वजह से होता है, लड़की का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। वो चाहे हद देगी, जिसको भी देगी वो एक्स देगी, ठीक है, डोनेट करेगी अपना गुणसूत्र, बाकी जो लड़का करता है
वो बाई करता है, एक्स करता है। अब चाले तू एक्स कर देगा तो लड़की ही होगी ना, तो ये क्या है, तुझमें कमी है ना, तू अपने ऊपर भरना, इसके दोषी तू है, लड़की नहीं है भाई, आपकी वाइफ नहीं है दोषी की लड़की पैदा होगी, तुम उसको छोड़ दोगे या ये कर दोगे, ये ज़्यादा कर तुम जान रहे हो, बहुत ज़्यादा चल रहा है ऐसा, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और उन लोगों को समझाएं, यदि आपके फैमिली मेम्बर में ऐसा कुछ कोई करता है, तो उनसे कहना कि इसकी कमी आप में नहीं है, आप में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होता है, थोड़ा सा उन्हें समझाना होता है। नेक्स्ट बोला गया है, स्त्री प्रजनन ग्रंथि होती है, तो आपको पता है अंडाशय। देखो प्रजनन का मतलब है कि कौन सा, अब मान लीजिए अंडाशय आपका अंडाणु होगा, इस तरीके से गोल सा अंडाणु होता है, उसमें ही क्या होता है, स्पर्म जाता है, उसमें ही स्पर्म जाता है और घुस जाता है अंदर, तब उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बच्चा का निर्माण हो जाता है, एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो स्पर्म कहाँ से आते हैं, ये हमारे पुरुष के जो अंडाणु होते हैं, जो पुरुष में जो भेषण होते हैं, जिसे हम अंडकोश कहते हैं, वो पेनिस के द्वारा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिस द्वार के द्वारा आते हैं। उसके बाद में बोला क्या है कि स्त्री के शरीर में अंडवाहिनी की संख्या कितनी होती है। बेटा अंडवाहिनियों की संख्या दो होती है, आपको पता होगा, इस तरीके से ये हमारा यूट्रस होता है, ये इस तरीके से ये होता है, आप जानते हैं इस तरीके से होता है, और ये हमारी यूनि होती है इस तरीके से, और यहाँ आपको देखा होगा कुछ दो यूट्रस लग ग्रंथि लगी होती हैं, ये अंडाणु का निर्माण करती हैं, और यहाँ से अंडाणु यहाँ पहुँचते हैं, और इधर से ये, मतलब कि हर 28 दिन ये आपका अंडवाहिनी काम करती हैं, और ये आपकी 28 दिन ये काम करती है, मतलब 28 दिन ये एक बार ये काम करेगी, फिर ये बंद कर देगी काम करना, एक बार ये करेगी, ठीक है। एक एक महीने काम करती हैं और अंडाणु का निर्माण करते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ से जो भी पुरुष होते हैं वो यहाँ से स्पर्म को अपने पेनिस के द्वारा यहाँ छोड़ देते हैं, और ये अंदर जाकर एक फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, और बच्चे का निर्माण हो जाता है। ये छोटी सी प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। चलो, ये भगवान के बनाया हुआ एक छोटा सा गिफ्ट है जो सबको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मैंने कहा कि 23 जोड़ी होती है, जिसमें 22 जोड़ी कंपलसरी प्लस एक जोड़ी जो होता है वो एक्स बाई होता है, ठीक है। एक्स बाई, लड़को है तो एक्स बाई होगा, लड़की है तो एक्स एक्स होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, मतलब कि जो गर्भकालीन अवस्था है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं गर्भकालीन विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है। वो होता है बीजावस्था, भ्रमणावस्था और गर्भावस्था। मान लीजिए आपने बीज को, जो आप बीज का मतलब है, जो स्पर्म का मतलब, भ्रमण अवस्था कहलाते हैं अंडाणु का निर्माण, मतलब कि महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है और पुरुषों में होता है बीजाणु, बीज का निर्माण, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। ये दोनों एक आपस में जुड़ते हैं तो गर्भ अवस्था का पोजिशन वहाँ उत्पन्न होती है, गर्भधारण हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण होते हैं। यदि आप गर्भ धारण कर रहे हैं तो आपको उपयुक्त लक्षण धारण करेंगे कि गर्भ जो कह सकते हैं जो मानसिक धर्म होते हैं वो बंद होना, यदि आपने आपके प्रेगनेंसी रुक जाएगी, आप पीरियड जो आपका आना बंद हो जाएगा, ठीक है। यदि आप, ठीक है, माँ बनने वाली हैं, आपका गर्भ ठहर गया है, तो आपको क्या होगा, तो प्रेगनेंसी रह गई है, तो आप कह सकते हैं कि आपको मानसिक धर्म बंद हो जाएगा, पीरियड आना बंद हो जाएगा, जिसे महीना भी बोलते हैं कुछ लोग। और वहीं बात करें, स्तनों की आकृति में परिवर्तन आएगा, मतलब कि जो आपके मिल्क हैं, दूध हैं, वो बढ़ने लगेंगे, स्तन है वो बढ़ने लगेंगे, ठीक है। वहीं बात करें, और जीभ मचलाने लगेगी, जीभ क्या है, मचलाने लगेगी, मतलब कि आपको कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करेगा, तो ये कहते हैं ना खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो जो महिलाओं को खट्टा खाने का मन करता है तो वो पीरियड क्या है, कह सकते हैं वो बंद हो चुके हैं, और वो क्या है, माँ बनने वाली, मतलब जो है वो प्रेगनेंसी रह चुकी है, तो वो चीज़ हमको देखना पड़ता है। यार ये सब जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सबको चिंता ना करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में मानसिक धर्म चक्र कितनी बार दिन में आता है। देखो तो कितने दिन कहता है, मानसिक चक्र कितने दिन का होता है, तो आप कहोगे देखिए जो मानसिक चक्र होता है वो क्या है, 28 दिन बाद आता है, हर 28 दिन बाद आता है, मैंने आपको बताया था ऊपर, 28 दिन में आता है, ठीक है। और लगभग किसी महिलाओं को ये 3 दिन चलता है, किसी महिलाओं को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन, 6 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, और किसी को ऐसा होता है तो अपनी मेडिसिन का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री का कौन सा जनांग रज उत्पन्न करता है, मतलब कि रज का मतलब होता है जो ऐसा कौन सा जनन अंग है जो रज उत्पन्न करता है, वो अंडाशय उत्पन्न करता है, ठीक है, रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु मतलब जैसे स्पर्म बोला जाता है, उनका जीवन काल 2 दिन का होता है, वो जो यदि पुरुष ने कोई अपना स्पर्म को डोनेट किया है तो वो 2 दिन तक जिंदा रहेंगे, ठीक है, यदि उसको सही टेम्परेचर पर नहीं रखा गया तो। यहाँ है, शुक्राणु का निर्माण होता है तो वो होता है वृषण में,
शुक्राणु का निर्माण भृषण में होता है, मतलब कि निर्माण का मतलब है कहाँ बनते हैं, स्पर्म कहाँ बनते हैं, तो भृषण मैंने कहा जो दो आपके जो कुंडे टाइप के होते हैं, जो स्पर्म होता है ये आपका पेनिस हो गया, इसमें आपका निर्माण होता है और यहाँ से इस नली के द्वारा आप जो विजेनिया होती है उसके अंदर आपका प्रवेश कर देता है, ये आप विजेनिया है तो इसमें आपका पेनिस कर रहा है, तो ये आपका क्या है, तो इस तरीके से आप यहाँ स्पर्म पहुँच जाता है और इसमें अंडाणु का दबा करके फर्टिलाइजेशन होकर आपका एक शिशु का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ कह रहा है जो स्पर्म है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो आपको पता है 1 से 1/10 mm होती है, 1/10 mm एक कह सकते हैं शुक्राणु की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु एवं अंडाणु के परस्पर संयोग को कहते हैं निषेचन। जब मैंने कहा ना फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है, जब अंडाणु स्पर्म अंडाणु के अंदर घुस जाता है उसे हम इस फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर निषेचन कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं अंडाणु की परिधि होती है, तो अंडाणु की जो परिधि होती है वो 25 mm की होती है, 25 mm जब एक अंडाणु निर्माण होता है गोल गोल, तो उसमें 25 mm की ये जो आप दीवार देख रहे हैं 25 mm की होती है, ठीक है। जब 25 mm की होगी और एक जो स्पर्म की जो लंबाई होती है वो लगभग 1/10 mm होती है, तो ये स्पर्म इस 25 mm की थैली को फाड़ कर अंदर घुसता है, और जो स्पर्म इस थैली को फाड़ कर अंदर नहीं घुस पाते हैं वो क्या होता है, वो स्पर्म ताकतवर नहीं होते हैं, मतलब कि पावरफुल नहीं होते हैं, और इस वजह से जो महिलाएं हैं वो मां नहीं बन पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिंब, यहां कह रहा है डिंब के परिपक्व होने में कितना समय लगता है, तो 28 दिन लगता है। डिंब का मतलब होता है जो पीरियड आने में कितना समय लगता है, तो 28 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्त्री है स्त्री के शरीर में अंडाशय होते हैं, तो दो मैंने बताया ओवरी जो होती हैं वो दो ओवरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि गर्भाशय का मतलब गर्भाशय यूट्रस जो है गर्भाशय का भार कितना होता है, तो वो होता है बेटा 40 से 60 ग्राम तक होता है। यहाँ कह रहा है स्त्री प्रजनन अंग है वृषण, ये गलत है, नहीं है, सॉरी नहीं की बात कर रहा है, तो वो है वृषण, क्योंकि वृषण ये पुरुषों में पाया जाता है, गर्भाधानी अंडवानी अंडाशय ये सब क्या है, ये हमारे किस में पाए जाते हैं बेटा, ये हमारी महिलाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्त्री में या स्त्री के किस प्रजनन अंग में भ्रमण विकसित होता है, तो गर्भाशय में भ्रमण का विकसित होता है, मतलब विकास कैसे होता है, कोई एक अंडाणु है यदि यहाँ से स्पर्म इसके अंदर पहुँच गया तो ये विकास कैसे करेगा, बच्चा बड़ा कैसे होगा उसमें, तो वो किस में होता है, वो हमारा होता है गर्भाशय, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि जो यहाँ बोला गया है देखो गर्भाशय यूट्रस की चौड़ाई कितनी होती है, तो मैंने कहा 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, ठीक है। चलो जब बच्चा निकलने वाला होता है तब उसमें जो मेंबर्स की जो गैपिंग होती है वो लगभग में 3 से 4 इंच होनी चाहिए, तब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यदि कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे इंटेक्शन सिंटो वगैरह का हम यूज़ करते हैं जिससे महिलाओं को दर्द नहीं होता और बच्चे को आराम से निकालने में सहायता करता है, तो बहुत सारे मेडिसिन है जो हमारी दवाई के द्वारा हम बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। अब यहाँ बात करने वाले हैं गर्भाशय, यदि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे आप एक बार एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ और काफ़ी सामने मेरे डिलीवरी हो चुकी है और हम लोग इसके बारे में काफ़ी हद तक मुझे इसके बारे में जानकारी है, तो यदि कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए। ऐसा होता है कि किसी भी महिला को यूट्रस जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो क्या होता है कि आपका जो बच्चे की जो धड़कन होनी चाहिए वो 140+ होनी चाहिए, ठीक है। 140+ है, आप 180 है, 160 है, 165 है, कितने भी है, तो आराम से बच्चा नॉर्मल हो सकता है, वो तो कह सकता है नॉर्मल हो सकता है। यदि यही 130 धड़कन यदि बच्चे की आ रही है तो आप उसको सर्जर करने की जरूरत होती है, मतलब कि ऑपरेशन के द्वारा करने की आवश्यकता पड़ जाती है, यदि इससे नीचे होता है 130 से, तो क्यों, क्योंकि वो बहुत कंडीशन में होता है, बहुत ख़राब कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी जानकारी आपको रखना बहुत आवश्यकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यह बोला गया है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती के आकार का होता है, मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। ये ऐसा यूट्रस होता है, इस तरीके से नाशपाती के आकार का ये हमारा गर्भाशय होता है। गर्भाशय की लंबाई मैंने आपको बता रखी है कि लंबाई आपके जो गर्भाशय की होती है 7 से 9 सेंटीमीटर भी होती है। तो यहाँ बोला गया अंडाणु, देखो कह रहे हैं अंडाणु को अंडवाहिनियों से गुजर कर, ठीक है, अंडवाहिनियों से गुजर कर अंडाशय तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यहाँ बोला गया है कि वो -4 दिन लगते हैं, मतलब कि 3 से 4 दिन लगते हैं। यहाँ देखो 3 मिट गया है, तो 3 से 4 दिन जो अंडाणु को अंडवाहिनियों से गुजर कर अंडाशय तक, मान लीजिए जो हमारा एक ओवरी है
ये ओवरी ले लीजिए जिसमें अंडाणु का निर्माण हुआ, और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया यूट्रस, और ये हमारी हो गई विजेनिया, मतलब कि ये योनि हो गई, ठीक है, ये हमारी हो गई विजेना। अब विजेना और ये हो गए विजेना, और ये हो गई हमारी, ये विजेना हो गई और ये हमारी होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विजेना होती है, जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, जो हम लोग यहाँ इतना ही बीच में शख्स करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है, दो बॉल लगे होते हैं, और इसके इन बालों को भेद करके हमारा स्पर्म है वो इस पार आता है, और जो यहाँ से यहाँ तक जो आता है स्पर्म वो 3 से 4 दिन लगते हैं। मतलब कि यदि यहाँ कह रहे हैं अंडाणु को अंडवाहिनी से, देखो कह रहे हैं गुजर कर अंडाशय तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये निकलकर यहाँ तक आने में, अंडाशय तक पहुंचने में इसको 3 से 4 दिन लगते हैं। तो पीरियड मान लीजिए आपको आज आया है, तो उसके लगभग 2 से 3 दिन, 5 दिन तक आप सेक्स करते हैं, तो आप आराम से आपका जो बच्चा है वो रुक जाएगा, वरना नहीं रुक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है गर्भ अवस्था में, ठीक है, चयापचयी दर की कितनी प्रतिशत होता है, परिवर्तन की बात की कितने परिवर्तन हो सकता है, तो आपको कहोगे जो 20 से 25% परिवर्तन होता है, ठीक है, गर्भावस्था में 25% परिवर्तन हो जाता है। यहाँ बोला गया है गर्भपात का प्रकार नहीं है, तो वह विलुप्ति गर्भपात, मतलब कि यदि आप विलुप्त के आधार पर गर्भपात कर रहे हैं तो वो प्रकार नहीं कहलाएगा, ठीक है। बाकी आप कहोगे जैसे कि कह रहा है संभाव्य गर्भपात, ठीक है, अनिवार्य गर्भपात, एक होता है सोप्टिक गर्भपात, मतलब कि बच्चे को गिराना, एक होता है संभाव्य, मतलब कि किसी बच्चे को गिराना संभव है, दूसरा होता है अनिवार्य, एक बच्चे को किसी ऐसी पोजीशन आ जाती है जिसमें बच्चे को गिराना बहुत अनिवार्य होता है, माँ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, माँ को कोई दिक्कत है, कोई कैंसर है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसमें बच्चे को जन्म देना गलत है, तो उसमें बच्चे को गर्भपात किया जाता है, बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है फालतू में, और वो बच्चे की डेथ हो जाती है। वहीं गर्भपात के प्रकार की बात की जाए तो ये 3 प्रकार है, लेकिन यहाँ कह रहा है विलुप्त गर्भपात एक गर्भपात नहीं होता है, लेकिन क्या कह रहा है सॉप्टिक गर्भपात, सॉप्टिक गर्भपात वो कहता है जिसमें आसानी पूर्वक कुछ लोग वैसे ही गर्भपात कर देते हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिब्बा अवस्था की होती हैं, तो निषेचन, देखो निषेचन के 2 सप्ताह, जो डिम्ब अवस्था मतलब कि जो हमारे लोग जब आप गर्भपात करते हैं तो 2 अवस्था के अंतर्गत आप, ठीक है, 2 सप्ताह के अंदर, आप 14 दिन के अंदर यदि गर्भपात करते हैं तो बच्चा आसानी से रुक जाता है। तो ये चीज़ होती है, मतलब 5 से 6 दिन तो आप करिए, तो 1 सप्ताह में आप अंदर करते हैं तो निषेचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में गर्भपिंड मानवीकृत धारण कर लेता है, तो बेटा वो कर लेता है भ्रूण अवस्था, यहाँ कह रहा है जो वह अवस्था जो जो गर्भपिंड मानवीकृत धारण कर लेता है वो है भ्रूण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ बोला गया है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, एक्स और वाई, 2 प्रकार होते हैं, पहले बता रखा है। उसके बाद वह वह अंग जिसके द्वारा ब्राह्मण को माता के रक्त में, रक्त से पोषण पहुंचाता है वो कहलाता है, वो होता है आपके नाभि नाल। देखो एक बच्चा होता है और बच्चे की तुड़ी जो नाभि होती है उसमें कुछ इस तरीके से बहुत सारी लाइनें लगी होती है, ठीक है, और वही क्या होता है उस बच्चे को पोषण देती है, खाने पीने को वही देती है, तो बच्चा क्या है अपने आप बड़ा होता रहता है, तो वो होता है नाभि नाल जो होती है वो उसको पोषण देती है। देखो कह रहा है भय अंग जिसके द्वारा ब्राह्मण को माता के रक्त से पोषण मिलता है, तो ब्राह्मण है और मानव है जो उसकी माता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो फीमेल होती है, जो औरत होती है, जो लड़की होती है, उसके रक्त से क्या होता है उसको पोषण मिलता है, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ बोला गया है कि जो स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, उनमें संगम कहलाता है, वो संगम जो होता है वो फ्लो कह सकते हैं फ्लोपिन ट्यूब में होता है, तो फ्लोपिन ट्यूब में होता है वो संगम कहा जाता है, मतलब कि संकराणु और देखो अंडाणु और स्पर्म का दोनों का संगम, दोनों का मिलना एक फ्लोपिन ट्यूब में होता है, कहाँ होता है फ्लोपिन ट्यूब में, ठीक है, योनि में नहीं होता है, गर्भाशय में नहीं होता है, ये फ्लोपिन ट्यूब में ये लोग आपस में करते हैं। उसके बाद में जब वो फ्लोपिन ट्यूब में पूरी तरीके का घुस जाता है, उसके बाद में अंडाणु में वर, उसके बाद में जब बच्चा, देखो ऐसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, ये प्रोसेस होती है इस तरीके का, हमारा क्या है योनि होती है, योनि को देख लीजिए एक बार, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ वो भी फिगर के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक बार आपको इसको ध्यान से देख लेना है और देख सकते हैं। अब इसको कैसे आपको देखना है, देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये एक इमेज है, ठीक है, और इस इमेज को आप ध्यान से देखना है, ये हमारे क्या होता है, ये हमारा होता है देखो ये हमारी ओवरी, यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ अंडाणु बना और यहाँ रुक जाता है, उसके बाद में हम लोग यहाँ से हम सेक्स करते हैं और यहाँ से होकर स्पर्म इन नलियों के थ्रू, ये हमारी फ्लोपिन ट्यूब होती है, इस ट्यूब में चले जाते हैं। इस ट्यूब में पहुँचने के बाद में क्या होता है ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ी सी इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, देखिए ध्यान से,
ये थोड़ा सा इमेज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए, ये हमारा यहाँ से देखो अंडाणु का निर्माण हुआ और इसके थ्रू यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और ये 28 दिन बाद काम करता है, ये 28 दिन बाद करता है, मतलब एक ओवरी एक टाइम काम करती है, ये 1 महीने काम करेगी, दूसरे महीने ये काम करेगी। यहाँ से हमने सेक्स किया, ये यहाँ से ये हमारी ये विजेना होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विजेना है, यहाँ से आपका विजेना है, यहाँ पर हम सेक्स किया, बस जो भी हम करते हैं वो यहाँ करते हैं, बस इतने बीच में यहाँ से यहाँ तक हमने किया। उसके बाद में यहाँ से होकर हमारे स्पर्म अंदर जाते हैं, ये हमारा यूट्रस कहलाता है, ये हमारा गर्भाशय है, और गर्भाशय ये जो दीवारें आपको फूली हुई दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है इस महिलाओं को पीरियड आने वाला है, मतलब कि इसके जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होना चाहिए वो यदि 16 mm है, 16 mm समझ रहे हैं ना, 16 mm है तो उसको पीरियड अभी हाल ही में आने वाला है। यदि 16 mm से ज़्यादा कभी नहीं होता है, यदि कुछ ज़्यादा ऐसा फूला हुआ दिख रहा है 16 mm से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड में आता है तो उस महिला को कैंसर भी हो सकता है, यूट्रस कैंसर से बोलते हैं। अभी क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ हमारी हमारी क्या होता है, यहाँ हमारा रुक जाता है क्या, अंडाणु, अंडाणु यहाँ रुक गया, ठीक है, अंडाणु यहाँ रुक गया और हमने स्पर्म यहाँ से डाले और यहाँ होकर यहाँ उसमें क्या फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये हमारा फिलोपियन ट्यूब है, ये हमारे फिलोपियन ट्यूब है, यहाँ से हमारा क्या होता है फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन जब ये जो स्पर्म उसके अंदर घुस जाता है, उसके बाद ये 3 से 4 दिन बाद वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये बच्चा का स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, ये प्रोसेस होता है हमारा महिलाओं के अंदर, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा पिरबस का प्रकार नहीं है, पिरबस का मतलब है दर्द, वो क्या है, देखो यहाँ कह रहा है जटिल पिरबस, ठीक है, प्राकृतिक पिरबस, ठीक है, और तंत्रों की सहायता से पिरबस, मतलब कि यंत्रों की सहायता से, मतलब कुछ हमने दवाई वगैरह डाली उसके द्वारा दर्द होने लगा, जटिल पिरबस, लेकिन जो कृमित पिरबस होता है वो दर्द नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जे ही नहीं है हमारा पिरबस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्त्रियों में बाह्य प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो उपरोक्त सभी बाह्य प्रजनन अंग होते हैं, जैसे कि आपके सामने बोला गया है जो एक होता है लिविया माइनोरा, ठीक है, ये होता है, एक होता है आपका क्लोनिटोरियस, एक होता है आपका वेस्टिबुलू, ये हमारे क्या होते हैं एक बाह्य प्रजनन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है जैसे कि आपने यूनि के इस तरीके की जो दीवारें होती हैं उनको ये नाम दिए गए हैं जिसमें हम लोग बाहर से देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, यहाँ देखिए यहाँ भ्रमण अवस्था की अवधि होती है, तो वो होती है भ्रमण अवस्था की अवधि, यहाँ बोला गया है 14वें दिन से 2 सप्ताह के अंदर तक, मतलब आप 14वें दिन से 2 सप्ताह के अंदर तक भ्रूण अवस्था की अवधि होती है, ठीक है, 2 माह के अंत तक, मतलब कि दूसरे माह का अंत जब है तब तक, 14वें दिन से 2 माह तक हुआ तो भ्रूण अवस्था कहलाएगी, मतलब जो हमारे जो अंडाणु बने हैं वो बेकार हो चुके हैं, अब उनका कोई काम नहीं है, वो बाहर निकल जाएंगे 2 मंथ में, ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद में यहाँ बोला गया है, देखिए उसके बाद बोला गया है कि भ्रमण अवस्था में 2 हफ्ते तक की अवस्थाएं कहलाती हैं, वो हमारा बीज अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बालिकाओं में मानसिक धर्म प्रारंभ होने की समान आयु कितनी होती है, वो 12 से 15 वर्ष की आयु में एक छोटी सी लड़की, मतलब बच्चा जब होता है तो उसे 12 वर्ष का जब हो जाता है तो उसे मानसिक धर्म मतलब पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यदि 12 वर्ष में नहीं आए तो 13वें 14वें 15वें, 15 से ज़्यादा यदि होता है तो उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसे डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और कुछ मेडिसिन का यूज़ करके उनके पीरियड को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि गर्भावस्था लगभग कितने दिन में होती है, तो आप होगे 280 दिन में हमारी गर्भावस्था होती है, मतलब कि महिलाओं में गर्भावस्था का जो दिन होता है जब बच्चा पड़ जाता है तो कितने दिन में, मतलब कि 9 महीने में हम जो बच्चा होता है वो बाहर निकल जाता है, तो 9 महीने को हम 9 को 30 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसी में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं, तो 30 में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 9 3 27 270 दिन हो गए, लगभग 9 दिन एक्स्ट्रा, 9 दिन 9 महीने 9 दिन होता है, तो भाई 80 दिन आपके 280 दिन कंप्लीटली होते हैं, तो आप 280 को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का संपूर्ण नाम क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको जानते हैं AIDS होता है, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, वुमेन डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, आप देख सकते हैं इसको ऑप्शन नंबर 1 को लगाना है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है HIV की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो HIV के लिए भी आपको याद रखना है, ठीक है, वुमेन डिफिशिएंसी भी आपको याद रखना है, बस सिंड्रोम डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये देखो ये चीज़ आपको यहाँ कन्फर्म करेगी, यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन या ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्यूनो बहुत ज़रूरी है, इम्यूनो डिफिशियंसी आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रखेगा, ठीक है, इक्विलेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ये जो HIV रोग है वो एड्स HIV एक वायरस के कारण होता है, HIV एक वायरस होता है उसके द्वारा एड्स हो जाता है, जो
महिलाओं जो महिलाएं एक दूसरे के मतलब बहुत दो तीन से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करते हैं तब उन्हें एड्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म आपके सामने, ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस। देखो यहाँ हमारा ह्यूमन देखो यहाँ है ह्यूमन डिफेंसी जो लिखा है वो बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है ह्यूमन, ठीक है, इम्यूनो डिफेंसी वायरस, यहाँ वायरस आ जाएगा, बस इतना आपको देखना है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ठीक है। हार्ट हेल्थ की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑप्शन नंबर डी राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि एड्स निम्न में से किस विषाणु के कारण होता है, या एड्स का कारण निम्न है, तो एड्स का जो कारण होता है वो होता है हमारा HIV, HIV होता है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। निम्न से कौन एक आदर्श कह सकते हैं सामाजिक अंग उत्सर्जित अंग नहीं है, मतलब कि निम्न से कौन सा एक उत्सर्जित अंग नहीं है, वो देखो गुर्दा यकृत कहलाते हैं, त्वचा भी है, मूत्राशय भी है, लेकिन यकृत नहीं है, लीवर नहीं होता है, जो किसी भी तरीके अब से अस्पताल को बाहर नहीं निकालता है। एक क्वेश्चन है, मैं आपको बस यहीं 75 बस आपका एक एड्स हो गया, बाकी हम 75 क्वेश्चनों को क्लियर कर चुके हैं, बाकी हम पार्ट 7 में करेंगे। बाकी के क्वेश्चनों को आप ध्यान से याद कर लेना, इस क्वेश्चन को बार बार वीडियो देख सकते हैं। बाकी हम जो आप देख रहे हैं इसको 76 का क्वेश्चन को हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू,